मैंने अभी रिसेंटली कुछ कम्यूटर बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी और आप सभी लोगों ने उन बाइक्स की वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और कम्यूटर बाइक लेके आया हूँ। ये उन गाड़ियों में आती है ना जिसमें हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल डालो और भूल जाओ, एक बार आप टैंक फुल करवा दो फिर भूल जाओ, एक डेढ़ महीना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। टुडे आई हैव विद मी CT 1110X। आज इसके बारे में सारी बातें करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कम्यूटर बाइक्स के अंदर CT 1110 का बहुत ही ज़्यादा नाम है क्योंकि ये ऐसी गाड़ी है ना जिसको कोई भी चला सकता है। मैं भी चला सकता हूँ, मेरे घर में अगर मेरे डैडी है वो भी चला सकते हैं, मेरे दादाजी है वो भी चला सकते हैं। और दूसरी बात, ये माइलेज के लिए जानी जाती है। थोड़े टाइम पहले ये इसका फेसलिफ्ट आया है, तो थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, अभी कोई मुझे ये ना बोले कि ये फेसलिफ्ट है, ओके, पहले की बात कर रहा हूँ। सामने आप इसका प्रोफाइल देखो, ये आपको DRL मिल जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है यार। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बताने के लिए मुझे आपको पूरा वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो आपको मिलेगा जहाँ से मैं इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ ऑटोडेन बजाज माहिम, यहाँ पर आपको ये ऑन रोड मिलेगी 89,000 के अंदर। और ये गाड़ी के ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप हमारा नाम लेके आओगे तो। जो हमारी ऑटोडेन की टीम है वो आपको डिस्काउंट दे देगी। EMI वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, आपको सारी क्वेरी के आंसर्स भी मिल जाएंगे। माइलेज तो मैंने ऑलरेडी इस गाड़ी का आपको बता दिया है, इसके अंदर आपको 70 से 72 का माइलेज मिल जाएगा। और इसके अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 115 cc का इंजन। पावर की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोड्यूस करता है 8.6 bhp का पावर और साथ ही साथ 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सिंगल सिलेंडर ये गाड़ी आती है, लेकिन मैं सीरियसली बोलूं ना, इस गाड़ी के ऊपर से मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। 11 लीटर्स का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक आता है और इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक का वेरियंट मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको एनालॉग ही देखने मिलता है और टैकोमीटर भी आपको इसके अंदर एनालॉग देखने मिलता है। ये गाड़ी की चाबी देखो, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत छोटी सी है, किसी को पता ही नहीं चलता गाड़ी की चाबी है। मेरी गाड़ी की चाबी एक्चुअली एविडेंट है, दिखता है। तो अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं, इसको हम चालू करते हैं, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही साइलेंट गाड़ी है ये, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। इसके अंदर मुझे ऐसा बैठ के ऐसा लग रहा नहीं है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब चालू है अभी पता नहीं चल रहा है। और इसका जो साउंड है, जस्ट लिसन टू द साउंड। फ्रंट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, इसके अंदर आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अगर आप सिटी में चला रहे हो, छोटे मोटे खड्डे हैं उसके अंदर से आप गाड़ी बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। सामने देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की वार्निंग मिलेगी, साथ ही साथ इंजन चेक की लाइट मिलेगी, यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट है वो भी आपको देखने मिलती है, और हाई बीम लो बीम जो है ना वो भी आपको यहाँ पर ये चार लाइट्स देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल का और कोई भी काम नहीं है, और कहीं पे भी आपको डिजिटल और कोई लाइट्स देखने नहीं मिलती है, दोनों ही आपको एनालॉग मीटर मिलते हैं, यहाँ पे किलोमीटर चला है ये आपको दिखाता है, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में आप कितना आपका फ्यूल है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल माउंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, एक छोटी सी डंडी है, यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर माउंट कर सकते हो। राइट हैंड साइड में अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है और यहाँ पे एक सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिला है, यहाँ पे इंजन किल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको वही एविडेंट वाले स्विच मिलते हैं, ये हॉर्न है इसका, बहुत लाउड है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारी बाइक्स रिव्यू की, पुरानी बाइक में मैंने तो ये कंप्लेन की है, लाउड होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी का हॉर्न है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए बटन मिलेगा, हाई बीम लो बीम एंड देयर इज पास लाइट, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। अगर आप इंजन के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पर अब आपको E20 मिलता है। E20 क्या है नहीं पता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है मैंने, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसका मैं सिंपल सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो अब E20 यानी इथेनॉल जिसका अमाउंट 20 है अब वो वाला इसके अंदर सपोर्ट करेगा, मतलब ये ऑलरेडी इतनी प्यारी गाड़ी थी अब ये इसके अंदर दे दिया है, मतलब आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर आपको टैंक का ग्रिप देखने मिलता है, यहाँ पर जब आप पैर रखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉपर आपने ग्रिप करके रखा है। यहाँ पर किक स्टार्ट मिल जाता है, लुक एट दिस, इस गाड़ी को आप केक से भी चालू कर सकते हो, बहुत सारी गाड़ियों में ये धीरे धीरे फीचर जो है वो कट किया जा रहा है लेकिन इसके अंदर अभी भी वो चीज़ आती है। साइलेंसर के ऊपर यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्रोम वाला एक छोटा सा एलिमेंट मिलता है, प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं, इसका सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं। टायर के डायमेंशंस वगैरह सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरह के टायर है, और यहाँ पर आपको इंजन प्रोटेक्टर भी दिया है, अगर आपकी गाड़ी कभी गिर जाती है तो उसमें ये बहुत बहुत मतलब सिग्निफिकेंट नहीं बट हेल्प करेगा। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की बात करूँ तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और जिस प्राइस पॉइंट पर यह गाड़ी आती है वो इस गाड़ी को वर्थ बना देती है कि आप लो, अगर आप कम्यूटर के हिसाब से चलाते हो, अगर आप 90-80 किलोमीटर आप रोज चलाते हो तो उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है। होप करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। अगर मैंने इसके अंदर कुछ मिस किया है या फिर इस रिव्यू को, इस ओवरऑल वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सकता है, डू कमेंट दैट डाउन बिलो। तब तक के लिए